हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइट कंसल्टेंट डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। घर घर में गणेश जी विराजमान हो चुके हैं और गणेश जी को खुश करने के लिए मोदक बनाए जा रहे हैं। गणेश जी का फेवरेट चीज है मोदक। आज हम हमारे बप्पा के लिए ट्रेडिशनल और न्यूट्रिशियस और हेल्दी मोदक बनाने वाले हैं और उनको चढ़ावा देने वाले हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटे के अंदर या 30-40 मिनट्स के अंदर आपके ये उकड़ी चे मोदक रेडी हो जाएंगे और आप अपने बप्पा को चढ़ावा में दे सकते हो, अपने बप्पा को खुश कर सकते हो। इस बहुत आसान और सरल बनाने का तरीका है। इसके अंदर बहुत टेक्निक और बहुत डिफिकल्टीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आप बना सकते हो। बढ़िया से न्यूट्रिशियस और हेल्दी होममेड मोदक बना सकते हो और अपने बप्पा को चढ़ावा में दे सकते हो और अपने बप्पा को खुश कर सकते हो। अगर आपका बप्पा खुश तो आप खुश। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे हेल्दी न्यूट्रिशियस और टेस्टी और होममेड उकड़ीचे मोदक। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए हम सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 बाउल चावल का आटा, बाद में 2 से 4 चम्मच घी और अराउंड 1 कप मिल्क। उसके बाद हमें ड्राई कोकोनट कद्दू किस कर लेना है, ऑलमोस्ट 1 बाउल। उसके बाद हम लेंगे पॉपी सीड्स। आपको जितना आपने कोकोनट का कद्दू किस लिया है उसका ऑलमोस्ट 1/4 या ऑलमोस्ट नियर बाय हाफ के आसपास आप है ना पॉपी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम खसखस भी कहते हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए इलायची पाउडर यूज करना है। इलायची पाउडर बहुत कम, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम मोदक का स्टफिंग बनाएंगे और स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल ड्राई कोकोनट का कद्दू किस जो हमने ले लिया है। आप फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं। ये दिखने में थोड़ा मोटा लग रहा है इसलिए हम इसको हल्के से एक बार मिक्सी से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये कद्दू किस सॉफ्ट और छोटे छोटे ग्रैनुल्स में बदल जाए। अब गैस पे बर्तन रख देंगे। बस एक चीज याद रखें, आप जो भी बर्तन यूज करेंगे उसका जो बेस होता है ये हमेशा मोटा हो ताकि आप उसके अंदर जो भी चीज बनाए वो जले नहीं और चिपके नहीं। उसके लिए आपको मोटा गैस का बर्तन यूज करना है। आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं या आप पीतल का बर्तन यूज कर सकते हैं। बर्तन को लो गैस पे रखकर 1 से 2 चम्मच घी डाल दें। हो सके तो होममेड घी हो या किसी अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी पिघलने के बाद कोकोनट का कद्दू किस डाल दें और हल्के हाथों से उसे हिलाते रहें। 1 से 2 मिनट भूंजने के बाद इसको हल्का सा ब्राउन कलर आ रहा है। अब इसके अंदर हम पॉपी सीड्स डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते रहे ताकि ये इक्वल मिक्स हो जाए और जले भी नहीं। ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट हिलाने के बाद इसको हल्का सा ब्राउन कलर आएगा, तब जाके आपको इसके अंदर जागरी डाल देना है। जागरी शुगर से कई गुना सेफ और न्यूट्रिशियस है। गुड़ के अंदर ढेर सारा आयरन होता है, साथ में थोड़ा सा कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। मैग्नीशियम और पोटेशियम का सही बैलेंस होता है। और खास बात है, जिंक और सेलियम जैसे रेयर न्यूट्रिएंट्स भी हमें गुड़ से मिल जाते हैं। कोकोनट के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे मेन चीज है कि इसके अंदर ढेर सारा फाइबर मिल जाता है, हाई कैलोरीज मिल जाती है और हमने जो पॉपी सीड्स यूज किया है उसके अंदर आयरन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिल जाती है। साथ में पोटेशियम होता है, फोलेट होता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। कोकोनट का कद्दू किस और पॉपी सीड्स और गुड़, इनको अच्छे से मिक्स कर लें और लास्ट में इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दें। इसको अभी हल्का सा ब्राउनिश कलर आ गया और अच्छे से मिक्स हो गया, दिखने में बढ़िया दिख रहा है। मैंने देखा है कुछ लोग कलर आने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स का यूज कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट यूज द आर्टिफिशियल कलर्स। इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है और शायद बहुत टेस्टी होने वाले है। और ये रेडी हो गया हमारा उकड़ीचे मोदक का स्टफिंग। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए हम थोड़ा साइड में रख देंगे। अब हम मोदक का मोल्ड यानी ऊपरी कवर बनाएंगे। इसके लिए आपको 1 बाउल राइस फ्लोर लेना है, चावल का आटा लेना है। मोदक के लिए जो आटा यूज होता है आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का रेडीमेड मोदक का आटा आप खरीद सकते हो और उसके आप मोदक बना सकते। हमने फिर से गैस पे मोटा गैस वाला स्टील का कुकर रख दिया है। उसके अंदर 1 कप वाटर डाल देंगे। वाटर को 1 से 2 मिनट तक गर्म होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 कप डाल देंगे और धीमी आंच पे उबालने के लिए छोड़ देंगे और साथ साथ 2 टीस्पून होममेड घी डाल देंगे। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर इसको अच्छे से उबल आ जाएगा। सबसे पहले हमने पानी डाला था, फिर दूध डाला था, उसके बाद घी डाला था और अब ये आटा, और इनको हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और अगले 3 से 4 मिनट में ये पक जाएगा और इस आटे से हम मोदक का ऊपरी कवर बनाएंगे।
अब हमारा ये चावल का आटा पक गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। वार्म टेम्परेचर पे आने के बाद आप इस आटे को अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लो। जैसे हम चपाती बनाने के लिए दो बनाते हैं और मिक्स करते हैं, वैसे ही आपको इस आटे को मसलना है। आप जितना इसको मसलोगे उतनी इसकी रोटी अच्छी बनेगी, मोदक अच्छे बनेंगे। वरना जब हम मोदक बनाने के लिए जो रोटी बनाते हैं उसके अंदर क्रैक्स आने का चांसेस होता है। हम आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको राउंड बनाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और अपनी उंगलियों से राउंड चपाती जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्रैक्स आते हैं या नहीं। राउंड तो बढ़िया सा बन गया, रोटी तो बढ़िया सी बन गई, लेकिन इसके अंदर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। अगर रोटी के अंदर क्रैक्स बनेंगे तो मोदक का मोल्ड जो है वो ठीक नहीं बनेगा और उसके अंदर क्रैक्स बन जाएंगे। मोदक ना फटे या रोटी के अंदर क्रैक्स ना बने, इसके लिए हम इस आटे के ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी स्प्रिंकल करेंगे और फिर से इसको अच्छे से मसल लेंगे। बड़े मोदक भी बना सकते हो। तो ये चलो हमने आटा ले लिया और इसे हमने चपटा कर दिया और अब उंगलियों से हमें इसका रोटी का पोर्शन बनाना है। अब आप देख सकते हो हमारे रोटी के अंदर क्रैक्स नहीं है और अच्छे से राउंड भी बन गया है। आप मोदक की रोटी बनाने के लिए बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर, वेल डन। इसके अंदर जाएगा हमने बनाया हुआ स्टफिंग। हल्के हाथों से हम रोटी के ऊपर फ्रिक्स बनाएंगे, फोल्ड बनाएंगे। फोल्ड बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, मगर स्लोली स्लोली आप ढेर सारे फोल्ड बना सकते हैं और अपने मोदक को अच्छा शेप दे सकते हो। और इन सारों फोल्ड को एक साथ पकड़ के उंगलियों से इसका मुंह बंद कर देंगे। आप फोल्ड्स को प्रोमिनेंट बनाने के लिए फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बन गया हमारा पहला होममेड टेस्टी उकड़ीचा मोदक। और ऐसे ही हम सारे उकड़ीचे मोदक बना लेंगे। सारे मोदक रेडी होने के बाद हमें इनको स्टीम करना है। मेरे पास इडली मेकर है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। हमने इडली मेकर को गैस पे रख दिया और उसके अंदर दो ग्लास वाटर डाल दिया। पानी को थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर ये जाली रखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम इसके नीचे एक इडली मेकर के अंदर जो थाली आती है उसको रख देंगे, ताकि जब ये पानी अंदर से उबलेगा तो आपके मोदक के ऊपर ना उड़े। के बाद ऊपर से हम ये जाली रखेंगे। जाली वाली प्लेट के अंदर हमने सारे मोदक रख दिए और इसे हम अभी ढक देंगे। और फाइनली ये हो गए हमारे रेडी हमारे बाप्पा के लिए उकड़ीचे मोदक। हम बाप्पा के सामने एज ए प्रसाद इनको रख देंगे। हकीकत में गणपति बाप्पा मोदक तो खाएंगे नहीं, मगर आपके होममेड हेल्दी न्यूट्रिशियस मोदक देखकर, आपकी मेहनत देखकर आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। आप सबको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मोदक को फोटोजेनिक और डेकोरेट करने के लिए कलर का इस्तेमाल ना करें, नकली केसर का इस्तेमाल ना करें, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप या शुगर सिरप डाल के उसको ना सजाए। आप इन मोदक को डायरेक्ट ही खाएं और इसकी टेस्ट की मजा लें। इनको हो सके तो आप वार्म टेम्परेचर पे ही खाएं, गरम गरम खाएं, गरम गरम परोसे। हम जानते हैं आप हमसे भी बेहतरीन उकड़ीचे मोदक बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए और फीडबैक में कमेंट जरूर ऐड कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते आप सबको गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया।